आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर बाईपास मार्ग पर स्थित पगरा मोड़ पर युवक को गोली मारने की घटना के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश दी है। घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की चार टीमें गठित हुई हैं। जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया है कि घटना को अंजाम देने वाले फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि गोली लगने से घायल युवक करण, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वह आजमगढ़ जिले के हर्रा के चुंगी मोहल्ला का निवासी है। करण अपने घर से किसी का फोन आने पर बाहर निकला था। बाइक लेकर वह बद्दोपुर बाईपास मार्ग से पगरा मोड़ पर पहुंचा ही था, तभी पहले से घात लगाए युवकों ने उस पर फायर झोंक दिया था। इसके बाद फायर झोंकने वाले मौके से भागने में कामयाब हो गए। वहीं गोली करण के सीने में दाईं ओर लगी और वह बाइक से नीचे गिरकर तड़पने लगा था। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया है कि मित्रता के दौरान आपसी किसी बात को लेकर मनमुटाव के चलते अमन और रोशन ने करण को गोली मारी है, जिसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बद्दोपुर बाईपास की है। इस मामले में मुकदमा लिखा जा रहा है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया है कि तीनों का आपराधिक इतिहास है, ऐसे में आरोपियों की तलाश के लिए चार टीमें लगी हुई हैं। मित्रों के बीच में आपसी मनमुटाव हुआ है और जिसके बाद अमन और रोशन ने करण नाम के लड़के को गोली मारी है, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। ये घटना बद्दोपुर बाईपास की थाना कोतवाली की है। पुलिस के द्वारा इसमें चार टीमें गठित करी गई और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी जाएगी। मुकदमा लिखने की कार्रवाई, तहरीर लेने की कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी। कुछ प्रकरण समझ में आया कि किस मामले? ये मित्रों में आपसी मुटाव किसी चीज़ को लेकर हुए, जिसके बाद ये घटना घटित हुई। सर, इनमें आपराधिक इतिहास भी किस तीनों का रहा है? ये तीनों लड़कों का आपराधिक इतिहास है, पुलिस के द्वारा ये पता किया गया और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।